बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम, ओ बेटा जी। अबे साले हरमन, किसी ख्यालों में खोया है भाई? अगर ये चैनल चल गया ना, कसम से मजा आ जाएगा यार। भाई मतलब तू सोच ना कि अगर हम कॉलेज लाइफ में महीने के 15-20 हज़ार रुपए कमा रहे हैं तो कॉलेज लाइफ कितनी इजी हो जाएगी यार, कितनी मस्त हो जाएगी भाई। फिर तो यार मैगी भी नहीं बनानी पड़ेगी, मस्त ऑर्डर करके खाएंगे यार, है ना? हाँ यार, लोगों को कंटेंट तो पसंद आ ही रहा है और व्यूज भी ठीक ठाक ही आ जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बाकी हम पहुँच गए, अब हमें बुर्ज खलीफा के लिए जाना है और हम काफी लेट हो चुके हैं। सपने वो नहीं होते जो तुम सोते हुए देखते हो, सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। दुबई मेरे लिए एक सपना ही था और ये कहानी है उस मिडिल क्लास लड़के की जो अपने सपने पूरे करने निकला था। फाइनली हो चुका है, सिक्योरिटी चेक हो गया, अब जा रहे हैं, हमारा जो गेट नंबर है। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि मैं कितना प्राउड था कि मैं 23 की एज में अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप करने वाला था, वो भी अपने पैसों से और अपने दम पे। बाकी तुम रौनक देख सकते हो यहाँ पे। होता क्या है ना, जब भी तुम किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में ट्रैवल कर रहे होते हो तो तुम्हें एक फॉरेक्स कार्ड की नीड होती है। तो जो मेरा फॉरेक्स कार्ड था वो मैं गलती से गुरुग्राम भूल के आ गया था। तो मेरे को अपने घर से पहले गुरुग्राम जाना था, देन गुरुग्राम से वापस एयरपोर्ट आना था। तो सबसे पहली बीटी तो यही और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया। लेकिन उसके बाद एक और बड़ी चीज़ होती है कि तुम्हारा भाई जो अपना वॉलेट है वो पिछली वाली कैब के अंदर ही भूल जाता है। तो अब जो सीन होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। मेरी लिटरली मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट मिस होने वाली थी। ये फ़्लाइट डोमेस्टिक नहीं है, ये इंटरनेशनल फ़्लाइट है। जो मैं स्टोरीज डाल रहा था वो इसी के लिए डाल रहा था, 2 days to go, 3 days to go, मतलब बहुत ख़तरनाक स्टोरी है। आज मेरी फ़्लाइट जस्ट मिस होने वाली थी, जस्ट मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे को क्या फील हुआ उस वक्त कि मेरे सारे पैसे गए, मेरी फ़्लाइट गई, बट अब हम बैठ चुके हैं। आज हमारी किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। भाई किस्मत ख़राब होने के लिए ना कुछ लेवल्स होते हैं, आज वो सारे लेवल्स टूट चुके हैं, सब लेवल्स। फिर हम पहुंचते हैं दुबई और मैं भरा होता हूं भाई एक्साइटमेंट से। मतलब आसपास देखकर ऐसा फील हो रहा होता है कि हाँ यार, ये इंडिया तो नहीं है, ये कोई इंटरनेशनल डेस्टिनेशन ही है। तो दुबई आ चुके हैं हम, ठीक है। अभी रात के यहाँ पे कुछ 11 बज रहे हैं। सबसे पहला टास्क है कि यार घर वालों को मैसेज करना है, अभी इंटरनेट चल नहीं रहा है भी मेरा, तो सबसे पहले घर वालों को मैसेज करना है। बस पहुँच चुके हैं, ये बता रहा हूँ कि हमारे पास आज के दिन के लिए कोई होटल नहीं है, तो वो हम बुक कराने वाले हैं। अभी कोई ढूंढ रहे हैं, कोई ठीक सस्ता सा होटल मिल जाए, फिर कल हमारा एक अच्छी जगह पे स्टे है, फिर उसके बाद हमने हॉस्टल वगैरह बुक कर रखा है, ठीक है। अभी हम हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जैसे कि तुम देख रहे हो। ओके बस अब जल्दी से निकलते हैं, सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा और थक गए हैं, तो आराम करना है। तो अभी यार आज हमारा पहला दिन है भाई, अब लग रहा है अब आए हैं दुबई, अभी तक फील ही नहीं हो रहा था, अब लग रहा है अब आए हैं। हमने चिकन बिरयानी ऑर्डर करी है, तो कंट्री नहीं है यहाँ पे। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जब तुम व्लॉग कर रहे होते हो ना, ज़्यादा लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा लोग इतना नोटिस नहीं कर रहे होते। दुबई दिखना स्टार्ट हो चुका है, अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी किया हमने। यहाँ पे यार काफ़ी सारे इंडियंस तो बहुत मिल जाते हैं, बाकी पाकिस्तानी भी काफ़ी यहाँ पे मिलते हैं और मतलब गाइड कर देते हैं लोग, ऐसी कोई दिक्कत वाली बातचीत है नहीं। अभी एक्चुअल वाइब तो तुम्हें दिखाऊंगा मैं,
हम खुद अभी मतलब यूज्ड टू हो रहे हैं इन सब चीज़ों से, इस पूरे कंट्री से यूज्ड टू हो रहे हैं अभी क्या है क्या नहीं है। और अभी हम मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, हमें कार्ड बनवाना है, मेट्रो कार्ड बनवाएंगे क्योंकि हमें 5-6 डेज यहाँ पे जितना भी ट्रैवल करना है वो हमारा प्लान है कि हम मेट्रो से ही कर रहे होंगे। यार अभी तो हम अपने होटल में चेक इन करने जा रहे हैं, उसके बाद आज का दिन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम शॉपिंग करने जाएंगे। और एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैं दुबई क्यों आना चाहता था, वो रीज़न आज हम पूरा करने वाले हैं। तो इस ट्रिप पे मैंने खुद को एक गिफ्ट दिया जो मेरा हमेशा से सपना था। तो हमने अनलिमिटेड पास बनवाया मेट्रो के लिए पूरे एक वीक का, क्योंकि हम एक वीक तक तो हम चले भी जाएंगे यहाँ से, तो एक वीक का हमने अनलिमिटेड पास बनवा लिया। उसमें क्या होता है कि हमें 135 दिरहम्स देने होते हैं ईच के, 135 दिरहम्स ईच मेरा वो कार्ड तुम्हें मिलेगा। इसके अंदर तुम अनलिमिटेड कर सकते हो ट्रैवल, कहाँ कहीं से कहीं जा सकते हो, जो कि हमें बहुत नीड पड़ने वाली है 5-6 दिनों जो हम यहाँ रुकने वाले। तो दुबई मेट्रो भी हमने एक्सपीरियंस करी अभी, और अपना दिल्ली मेट्रो जैसा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इनका हमसे बेटर होगा लेकिन स्पीड एंड ऑल एवरीथिंग और इनसाइड मेट्रो का इंटीरियर जो है ऑलमोस्ट सेम ही है। मैं होटल चलते हैं, ये सामान जो ले लेके चल रहे हैं ना बहुत दिक्कत हो रही है। तो यार ये है वो होटल जो हमने बुक कराया है आज के स्टे के लिए, ओमेगा होटल, ठीक है तो चलते हैं। आवाज़ सर, वी हैव अ बुकिंग फॉर टुडे, हरमन सिंह। अंदर आते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा बेड है, टीवी है, रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इंटीरियर बहुत अच्छा है, और यहाँ पे एक टेबल भी मिलती है जहाँ पर हम कुछ काम कर सकते हैं, ऑफिस वर्क कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे लक्की भाई वॉशरूम बहुत अच्छा है हमारा, यहाँ पे हेयर ड्रायर है, बाकी यहाँ पे एक बाथ टब भी है बहुत ही प्यारा यहाँ पे हमारा रूम है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं दुबई आ पाऊंगा, और आप लोग ये मत सोचना कि इस वीडियो में मैं आपको दुबई दिखा रहा हूँ, बल्कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, और आप क्यों नहीं। तो इस ट्रिप पे मैंने खुद को एक गिफ्ट दिया जो मेरा हमेशा से सपना था। तो गाइस अभी हम मीना बाजार में हैं दुबई में, और यहाँ से हम आईफोन लेने जा रहे हैं। ठीक है यार, हमने आईफोन ले लिया है, ये हमारी एप्पल वॉच, एयरपॉड्स प्रो वगैरह सब कुछ ले लिया है। काफ़ी देर से यार मैं मीना बाजार में घूम रहा था, काफ़ी सारी शॉप्स में गया, पहले तो मिल ही नहीं रहा था। कल हमने काफ़ी सारी टिकट्स बुक कर रखी है, तो मेरे पास आज का ही दिन था यार कि आज मुझे कम्प्लीटली कैसे भी करके अपनी शॉपिंग कम्प्लीट करनी है। तो ये मैंने लिया है यार सिटी टॉक से, यहाँ पे मुझे आमिर भाई भी मिल गए, ठीक है, इन्होंने यार काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, मतलब इतना ज़्यादा घूम रहा था मैं मार्केट्स में, बट आमिर भाई मिल गए, देन उन्होंने अभी अवेलेबल करवा दिया क्योंकि अवेलेबल था नहीं मैक्सिमम शॉप्स पे, ठीक है। तो तुम्हें भी अगर आईफोन्स वगैरह कुछ भी लेना है, काफ़ी अच्छे प्राइस में मेरे को मिल गए हैं, जो मैं एक्सपेक्ट करके आ रहा था इंडिया से वो मेरे को मिल चुका है, तो तुम्हें लेने हैं। सिटी टॉक करेगा तो आएगा, फिर भी लोकेशन मिलेगा। हाँ सिटी टॉक है, लिंक हम जो लोकेशन है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी जो मुझे झेलनी पड़ी, जो आएगा सब कुछ एक माल मिलेगा, ठीक है। जो हरमन सिंह है जो है ना, नाम बोल के आएगा उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट, आप बता रहे हमारे तरफ का स्पेशल डिस्काउंट, चलो सही है, थैंक यू भैया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डे 2, और सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। मैं तो दुबई में हूँ, हम सुबह उठे थे अराउंड 10 बजे के आसपास, अभी 11:30 बजे मैं रेडी हो चुका हूँ, मैं दिखाता हूँ मैंने क्या पहना है आज। लुक पूरा इंडियन आ रहा है कि कोई भी देखे तो उसे पता चलना चाहिए कि हाँ आज इनका कोई फेस्टिवल है, कुछ तो स्पेशल है आज, ठीक है। स्पेशल बहुत कुछ है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा में वहाँ पर रात को फाउंटेन शो, लाइट शो होता है, टॉप पे भी जाएंगे बुर्ज खलीफा के, वो भी आपको दिखाने वाले हैं, दुबई एक्वेरियम भी जाने वाले हैं, और आज के दिन में और क्या क्या होगा वो तुम्हें पता चल ही जाएगा। मतलब मैंने दुबई में एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पे ट्रैफिक लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग फॉलो भी करते हैं, तो हमारे साथ जो जगह जगह पर पुलिस खड़ी होती है ना रास्ते में, हाँ जो ड्राइवर भी हैं वो भी पंजाब से ही हैं। बाकी हम पहुंच गए हैं, हमें बुर्ज खलीफा के लिए जाना है और हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, लेट थे बट इन्होंने अलाउ कर दिया हमें, तो अपना एक्सपीरियंस ख़राब नहीं हुआ भाई, मैं इतना डर गया था कसम से। तो यार वापस आ गए हैं, कैमराज तो उन्होंने अलाउ करवा दिए हैं लेकिन हम माइक्रोफोन्स नहीं ले जा सकते।
पर तो अभी जस्ट हम एंटर ही हुए हैं और ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ ही शूट करना है। मतलब यार छोड़े क्या, शूट तो सब कुछ ही करना है, मैं सब कुछ दिखाने लगेगा ऐसा लग रहा है। तो ये है वो लिफ्ट जो हमें लेके जाने वाली है। चलिए दिख रही होगी आपको। अभी हम 124th फ्लोर पे हैं। अब तुम एक ऊपर देखो तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे तुम व्यू देख सकते हो कितना प्यारा है। बुर्ज खलीफा के एक्सपीरियंस के बाद हम एक और स्पेशल एक्सपीरियंस लेने जा रहे थे जो था दुबई एक्वेरियम, जो था हमारा दुबई मॉल के अंदर। अभी हम दुबई मॉल में हैं और सुनने में कुछ ऐसा आया है, हमें किसी हमारे रिलेटिव ने बताया कि अगर तुम एक हफ्ता भी यहाँ पे रेगुलर आओगे और रोज़ घूमोगे ना तब भी ये कंप्लीट नहीं घूम पाओगे। और कुछ भी अभी हमें याद हुआ नहीं है। अभी हम दुबई एक्वेरियम जा रहे हैं। दुबई हमने एंट्री ले ली है, अब तुम देखो ज़रा क्या नज़ारे हैं यहाँ के। ठीक है, दिखाता हूँ मैं। एक्वेरियम भी देख लिया है, अब चलते हैं दुबई फाउंटेन में। ठीक है, आज दिवाली है तो आज मुझे लगता है कि वहाँ पे एक स्पेशल शो होने वाला है, फाउंटेन शो, तो वो देखने चलेंगे। आज के दिन में इंडिया में दिवाली में रात को हम पटाखे चलाते हैं, वो जो माहौल होता है ना रात को दिवाली का इंडिया के अंदर वो अलग लेवल होता है। तो यार ऑब्वियसली हम दुबई में थे तो हमें भी थोड़ा रात का माहौल चाहिए था। उड़ती खबर आई है कि ये 750 के आसपास स्टार्ट होने वाला है। आज दिवाली है, अपनी कंट्री को देखेंगे कैसे, मतलब क्या इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है दुबई में, वो देखना चाहेंगे। और इतनी सारी जनता जा रखी है, मुझे नहीं लगता रेगुलर दिनों में इतने लोग आते भी होंगे। ठीक है, देखा जाए तो स्टार्ट हो जाना चाहिए अभी। Thank you.
तीन साल पहले जब मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करी थी ना, जैसे कि मैं एक बीटेक स्टूडेंट हूँ, मैं तब बहुत सपने देखे थे। तो एक बात आज मैं गर्व से बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम सपने देखोगे ना तो उन्हें पूरा भी जरूर से कर ही लोगे।